जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकी हमले में सेना के 5 जवान शहीद हो गए। कठुआ में सोमवार को भारी हथियारों से लैस आतंकवादियों ने सेना की गाड़ी पर घात लगाकर हमला कर दिया, जिसमें ये 5 जवान शहीद हुए। सेना के एक ट्रक में 10 जवान सवार थे, जिन पर आतंकवादियों ने ग्रेनेड और हाईटेक हथियारों से हमला किया। इस हमले के तार पाकिस्तान से जुड़े हैं। पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े कश्मीर टाइगर्स ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। कश्मीर टाइगर्स की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि इस हमले में शामिल आतंकियों ने M4 असॉल्ट राइफल्स, ग्रेनेड और अन्य हथियारों का इस्तेमाल किया था। आतंकी संगठन ने आने वाले दिनों में और हमले करने की बात भी कही है। कश्मीर टाइगर्स की ओर से कहा गया है कि ये 26 जून को डोडा में मारे गए 3 आतंकियों की मौत का बदला है। क्या हुआ था जब ये अटैक हुआ था? जब अटैक हुआ साहब, मैं दुकान पर था, 4-5-6 बंदे थे यहाँ दुकान पर बैठे हुए, तो पहले बस गई, बस जाने के बाद 10 मिनट के बाद गाड़ी आ गई आर्मी वालों की, तो गाड़ी आ गई, हम सौदा देते, उसके बाद एक टिप्पर भी गया, उसको पासिंग दी आर्मी वालों ने, उसको जो ब्रिज के साथ ही, उसके बाद कोई 2-3 मिनट के बाद फायरिंग शुरू हो गया। हम दुकान के अंदर, हमें पता नहीं चला जे फायरिंग, हमने पहले समझा जे इसका इनका गाड़ियों का टायर पंचर हो गया, बहुत बड़ा धमाका हुआ। उसके बाद फायरिंग चलती रही, तो हमें को पता चला, अंदर ही हमको पता चला, हमने समझ लीजिए जहाँ पर काउंटर हो गया। तो क्या लगता है यहाँ पे आतंकवादी कब से घूम रहे हैं? पता नहीं है, बोलते हैं लेकिन हमने कभी नहीं देखा इनको। आपने नहीं देखा? मैं यहाँ तो दो ग्रुप लगता है कि एक इस गाड़ी को टारगेट किया, एक उस गाड़ी को टारगेट किया है। वैसे तो हमको भी मालूम होता है लेकिन हमने देखे नहीं है, क्योंकि फैसला बहुत है, 50-60 मीटर का फैसला है। काफी दहशत का माहौल रहा होगा कल? हाँ, बहुत बहुत दहशत का माहौल, हम भी सब डर के घूम गए, 10-12 जो दुकान पर बैठे थे हम सब डर गए, बाहर हम निकल नहीं पाए, क्योंकि हम समझते बाहर जब देखने के लिए बाहर निकलते तो वही सोचा फायरिंग कहाँ से आर्मी वालों की आती, जो उनके आती, आर्मी वाले जख्मी हुए उसकी मदद की बाद में अपनी हमने मदद की, हम कि उनके जो एक्सपायर हो गए थे 2-3 बंदे, उनको भी हमने उठाया, जो 10-12 दुकान पे बंदे हमने सामने आर्मी वालों की मदद की। कठुआ में आतंकियों के इस कायराना हमले के बाद से पूरा देश गुस्से में है। इस हमले के बाद से ही सेना के जवान आतंकियों की लगातार तलाश कर रहे हैं। आतंकियों को खोजने के लिए सेना पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही है। जवान हमले के जिम्मेदार आतंकियों को खोज रहे हैं। कठुआ हमले के बाद सेना लगातार एक्शन में नजर आ रही है। पिछले कई घंटों से हमारे ये बहादुर जवान आतंकवादियों के तलाश में, वो आतंकवादी जिन्होंने 2 दिन पहले हमारी आर्मी की गाड़ियों को एम्बुश किया था, जिसमें हमारे 5 जवान शहीद हो गए थे और 5 जो जख्मी हुए थे, उसके बाद से अब लगातार देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑपरेशन चल रहा है। कुछ लोग उस जगह पे आप देख सकते हैं किस तरीके से घात लगाकर बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं आतंकवादी अपना सर उठाएं और उनका सर कुचल दिया जाए। ये बहुत ही खतरनाक और डेंजरस इलाका है। आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये वो पहाड़ी है जो एक तरफ हिमाचल से कनेक्ट करती है, दूसरी तरफ बसंतगढ़ से करती है, तीसरी तरफ भदरवा और डोडा इलाके से कनेक्ट करती है और चौथी तरफ ये बिलावर से कनेक्ट करती है। और ये आतंकवादी अक्सर अपनी घटना को अंजाम देने के बाद कोशिश करते हैं कि दूसरी तरफ भाग जाएं, लेकिन हमारे जवान पूरी तरह से चौकस हैं, बिना कुछ खाए पिए कई घंटों से लगातार इस ऑपरेशन में लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि पूरे चप्पे चप्पे को ये छान रहे हैं। इनकी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी बदला दिया जाए उन 5 बहादुर जवानों का, जिन 5 बहादुर जवान को उन्होंने शहीद किया है, क्योंकि कंट्री ने अपना मन बना लिया है कि उन जैश ए मोहम्मद के उन आतंकवादियों को, उन कातिलों को जहन्नुम में पहुंचाना होगा। और आप देख सकते हैं किस तरीके से ये सीना तान कर यहाँ पे खड़े हुए हैं, ऑपरेशन चल रहा है। ये बहुत ही कठिन इलाका है, क्योंकि अगर आप बोलेंगे इस पहाड़ी क्षेत्र की बात करेंगे, बहुत ही मुश्किल इलाका है, घना जंगल है, उस घने जंगल के अंदर गुफाएं हैं, जिन गुफाओं में जाकर ये चूहों की तरह छुप जाते हैं और आज भी वारदात करने के बाद चूहों की तरह अंदर छुपे हुए हैं। लेकिन हमारे बहादुर जवान पूरी तरह से उन्हें तैयार हैं मारने के लिए, एक बार उनको जहन्नुम पहुंचाने के लिए पूरी तैयारी हो चुकी है। आप देखिए किस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ जंगल की तरफ चढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, अपने कदम बढ़ाते जा रहे हैं ताकि उन आतंकवादियों को मार गिराया जाए। ये 2 दिन पहले की बात है, 3:30 पर 10 के करीब आतंकवादी थे जैश ए मोहम्मद के, जो जंगल से उतर कर नीचे आते हैं, आर्मी गाड़ी पर हमला करते हैं। उनकी कोशिश थी कि इस बार भी वो बॉडीज को म्यूटिलेट करेंगे और उसके बाद उनके हथियार लेकर भाग जाएंगे, इससे पहले कि वो अपने मंसूबे में
कामयाब होते, लेकिन जो फौजी दूसरी गाड़ी में थे वो ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं, जिसकी वजह से ये बुजदिल कायराना हरकत करने वाले आतंकवादी जंगल में भाग जाते हैं। और तब से आप देखिए लगातार यहाँ पे ऑपरेशन जारी, बहुत ही कठिन इलाका, बहुत ही मुश्किल स्थिति। और देखिए किस तरीके से घात लगाकर, एम्बुश लगाकर ये यहाँ पे बैठे हुए हैं, ताकि इनकी पूरी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी उन आतंकवादियों को मार गिराया जाए और जल्दी से जल्दी यहाँ पे उन आतंकवादियों से इस इलाके को साफ किया जाए उनकी, क्योंकि इस समय बताया जाता है कि 110 के करीब जो फॉरेन टेररिस्ट ऑपरेट कर रहे हैं। और अगर इस इलाके की बात करें, 3 जैश ए मोहम्मद के ग्रुप जो हैं ऑपरेट कर रहे हैं अलग अलग इलाके में, तो इस एम्बुश में जिस घात लगा के जो हमला किया था, इसमें भी 2 आतंकवादी ग्रुप थे जैश ए मोहम्मद के, जिनकी शमूलियत थी। और बताया जाता है ये पाकिस्तान से सीमा पार करके या तो कठुआ या सांबा के इलाके से यहां पे आए हैं। लगता है कि कोई टनल है जिससे घुस के ये आतंकवादी चूहों की तरह अंदर आ जाते हैं, चूहों की तरह टनल का इस्तेमाल करते हैं, यहां अंदर आते हैं और पीठ के पीछे वार करते हैं, उसके बाद फिर से चूहों की तरह बिल में छुप जाते हैं। लेकिन हमारे बहादुर जवान पूरी तरह से तैयार है उनका सफाया करने के लिए। कठुआ में आतंकियों के इस कायराना हमले के बाद पूरा देश गुस्से में है। इस हमले के अगले ही दिन भारत की ओर से कड़ा संदेश दे दिया गया और ये कहा गया कि सैनिकों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। रक्षा सचिव ने कहा कि जवानों की शहादत का बदला लिया जाएगा। आतंकियों को खोज निकालने और उन्हें ठिकाने लगाने के लिए सेना का ऑपरेशन जारी है। कठुआ की कायराना हरकत पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी गुस्से में नजर आए। उन्होंने कहा कि सेना का ऑपरेशन आतंकियों के खिलाफ रुकने वाला नहीं है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से इन आतंकी संगठनों को कैसे सपोर्ट मिलता है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। 2019 में भारत ने इसी तरह पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान को बालाकोट एयर स्ट्राइक के जरिए सबक सिखाया था। कठुआ हमले के बाद भारत ने सख्त बोल के जरिए बता दिया है कि कोई भी हो, इसके पीछे वो बचने वाला नहीं है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या भारत बालाकोट हमले को फिर दोहरा सकता है। साल 2019 में 26 फरवरी को भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के घर में घुसकर बालाकोट एयर स्ट्राइक की थी। भारतीय सेना के इस एक्शन ने पाकिस्तान की नींदें उड़ा दी थी। बालाकोट एयर स्ट्राइक पुलवामा हमले का जवाब था। भारतीय लड़ाकू विमान ने पाकिस्तानी एयरफोर्स के रडार सिस्टम को भी चकमा दिया और बालाकोट में आतंकी कैंपों पर बमबारी की। इस एयर स्ट्राइक के जरिए भारत सरकार की पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी थी। भारत ने मैसेज दिया था कि अगर आप हमें छेड़ेंगे तो हम घर में घुसकर मारेंगे। ऐसे में अब सबकी नजरें इस बात पर है कि क्या भारत एक बार फिर से पाकिस्तान में घुसकर हमला कर सकता है। टाइम्स नाउ ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।